इंडिया मार्ट शेयर को लेके। इंडिया मार्ट, इसमें आपको दिख रही है भारी गिरावट, क्यों? वजह है कुशल के पास, कुशल बताइए क्या हो गया यहाँ पर। देखिए दीप, कल जिस तरह से हम स्टॉक को एक्शन में देख रहे थे नतीजों के बाद, ऑफकोर्स मार्जिन्स को लेकर तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिखी। काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेज भी इस पर बुलिश होते हुए दिख रहे थे। 10 तिमाहियों की ऊंचाई पर मार्जिन्स होते हुए दिख रही थी, लेकिन यहां पर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सब्सक्राइबर्स का, वो जो है उसको लेकर थोड़ी चिंता बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इस तिमाही में कंपनी ने केवल 1519 पेड सप्लायर्स जोड़े हैं, जबकि अगर आप पहली तिमाही देखेंगे पिछले साल की तो 5000 जोड़े गए थे और पिछली तिमाही में यहां पर 2600 जोड़े गए थे। तो ऑफकोर्स ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न अभी बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए जो इनिशियल हमें जब बाजार खुले थे तो रिएक्शन देखने को मिला, यहां पर 9-10% तक के करीबन गिरावट भी होती हुई दिख रही थी इंट्राडे के लिहाज से। तो जो इनका सिल्वर पैकेज है, जो मासिक मंथली पैकेज है, उसमें कुछ एक जगहों पर आपको चर्न रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा कि यहां पर जो अल्गोरिदम है उसमें बड़े बदलाव ये करते हुए नजर आएंगे। अब जिसको आगे लेकर कितना समय लगेगा वो कहना अभी मुश्किल है। तो एग्जैक्ट जो टाइमलाइंस है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एंड ऑफकोर्स कलेक्शन जो है वो भी 14% बढ़कर 340 करोड़ पर होते हुए दिखे हैं, जबकि अनुमान करीबन 19% के बढ़ने का था। बट मेजर जो कंसर्न है वो यहां पर पेड सप्लायर्स को जोड़ने का है। तो उसको लेकर आगे चलकर मैनेजमेंट कैसे डील करती है, इस पर किस तरह का व्यू पॉइंट इनका आगे जो नंबर्स जब इनके आएंगे फर्दर क्वार्टर्स के, उस पर क्या अपडेट रहता है, अब ये एक बड़ा वॉच हो गया है। इसी वजह से कल की तेजी आज थोड़ी सी गिरावट में तब्दील होती हुई दिख रही है। तो ये है आपके लिए इंडिया मार्ट, जहां पर सब्सक्राइबर एडिशन को और चर्न को लेकर थोड़ा बाजार में एक कंसर्न बना हुआ है, इस पर भी रखेंगे नजर। आइए SBI सिक्योरिटी से सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे एक बार समझते भी हैं अगर कोई व्यू रखते हैं इंडिया मार्ट पर। सर, नंबर्स तो कल अच्छे आए थे, उसके बाद स्टॉक में भी अच्छा एक्शन था, बट ये जो सब्सक्राइबर नंबर्स को लेकर थोड़ा कंसर्न बना है, उसके बाद स्टॉक में भारी भरकम गिरावट भी है, क्या व्यू रखते हैं सर आप इस पे? या गुड आफ्टरनून दीपांशु। डेफिनेटली जो सब्सक्राइबर काउंट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, स्पेशली B2B बिजनेस जैसे इंडिया मार्ट प्रोजेक्ट डायल के लिए। अभी चैनल पर डिस्कस हो रहा था कि जो नंबर ऑफ पेड सब्सक्राइबर है उसमें जो गिरावट आई है उसका जो ट्रेंड है वो आगे जाकर के क्वार्टर में कैसे पैन आउट होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखते हैं आगे परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये इम्पोर्टेंट रहेगा।